सब्सक्राइब कीजिए नंदाश्रम हार्दिक चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, उससे आपको सबसे पहले मेरी न्यूज मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ओशियन टाइडल पावर प्लांट के बारे में। दोस्तों, ओशियन टाइडल पावर प्लांट क्या है, इसके बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, जो समुद्र के अंदर जो यहाँ पे भर्ती और ओट आती है, उसकी वजह से समुद्र भर्ती ऊर्जा की मदद से यहाँ पे पावर प्लांट का उपयोग किया जाता है। तो ये किस तरह होता है, इसके बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पॉइंट। तो यहाँ पे है द कॉम्बाइंड इफेक्ट ऑफ द सन एंड द मून्स ग्रेविटेशनल पुल ऑन द अर्थ प्रोड्यूस टाइड्स एंड ओट्स। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे तो जैसे कि सूर्य और चंद्र जो दोनों का गुरुत्वाकर्षण इफेक्ट यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो पृथ्वी के ऊपर उसका संयुक्त असर यानी कि उसका कंबाइंड उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पृथ्वी के ऊपर लगता है, उस वजह से यहाँ पे जो समुद्र के ऊपर पानी के ऊपर जो यहाँ पे इफेक्ट आता है उसमें भर्ती यानी कि टाइड्स और ओट्स यानी कि यहाँ पे ओट आती है, उसकी वजह से यहाँ पे उत्पन्न टाइड्स एंड ओट्स है वहां पे इस वजह से उत्पन्न होता है। अब सिंपल लैंग्वेज में हम बताएं तो सूर्य और चंद्र उन दोनों का कॉम्बाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी के सपाटी के ऊपर लगता है और वहां पे समुद्र के अंदर भर्ती यानी कि टाइड्स और ओट्स का काम यहाँ पे होता है। दोस्तों, अब आगे बात करें तो किस तरह का आगे प्रोसेस है, तो जिसके अंदर इन द बे एरिया वेयर द वॉटर लेवल डिफरेंस बिटवीन टाइड्स एंड ओट्स इज मोर देन 10 मीटर इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी जनरेटेड बाय बिल्डिंग अ डैम एंड रनिंग वॉटर टर्बाइन यूजिंग अ 10 मीटर वॉटर हेड एंड अटैचिंग अ जनरेटर टू इट। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जो समुद्र यानी कि दरियाई खाड़ी या फिर समुद्र की जो पास में जो एक एरिया होता है वहां पे पानी संग्रह होता है, उस जगह पे यहाँ पे भर्ती और ओट यानी कि टाइड्स एंड ओट्स के दोनों के डिफरेंस का यहाँ पे पानी का स्तर 10 मीटर से ज्यादा की हाइट पे रखा जाता है और वहां पे एक डैम बना दिया जाता है और डैम की रचना इस तरह की जाती है ताकि उसको ओपन क्लोज कर सके और जब भर्ती या ओट आए तब उस वहां पे उसके साथ में 10 मीटर हाइट पे हम यहाँ पे टर्बाइन को कनेक्ट कर सके, टर्बाइन के साथ में हम जनरेटर कनेक्ट कर देंगे और साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर पाएंगे। तो जब भर्ती आएगी तब उस खाड़ी में पानी आ जाएगा, ठीक है। तो जब पानी आएगा तब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी टर्बाइन के थ्रू, जब भर्ती की जगह पे ओट आएगी यानी कि पानी समुद्र में वापस जाएगा उस खाड़ी में से, तब वापस जो खाड़ी वाला पानी है उसको हाइट पे रख के या फिर उस तरह का कॉम्बिनेशन बना के जब वो पानी को वापस निकाला जाएगा तब भी वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन यहाँ पे ओशियन टाइडल पावर प्लांट के अंदर बनाया जाता है। दोस्तों, अब आगे बात करें हम तो यहाँ पे इसके टाइप्स क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहला है टाइडल पावर प्लांट। दोस्तों, ये टाइडल पावर प्लांट है, इसके मेन दो डिफरेंस है मैं आपको यहाँ पे बताता हूं, जैसे कि सिंगल बेसिन टाइडल पावर प्लांट और डबल बेसिन टाइडल पावर प्लांट। तो दोस्तों, यहाँ पे मेन दो टाइप्स हो गए, लेकिन यहाँ पे जो सिंगल बेसिन टाइडल पावर प्लांट है उसके यहाँ पे मेन तीन टाइप है, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। सिंगल बेसिन टाइडल साइकिल, सिंगल बेसिन एब साइकिल और डबल साइकिल। तो दोस्तों, यहाँ पे टाइडल पावर प्लांट है उसका ये डायग्राम आप याद रख लीजिएगा, टाइडल पावर प्लांट का ये डायग्राम जिसके अंदर टाइडल पावर प्लांट के दो पार्ट, सिंगल बेसिन टाइडल पावर प्लांट, डबल बेसिन टाइडल पावर प्लांट। और सिंगल बेसिन के मेन तीन टाइप है, सिंगल बेसिन टाइडल साइकिल, सिंगल बेसिन एब साइकिल और डबल साइकिल। तो दोस्तों, ये टाइडल पावर प्लांट की साइकिल या उसके पार्ट्स हो गए और टाइडल यानी कि टाइड और ओट्स किस तरह आते हैं वो आपको पता चल गया। दोस्तों, अब आगे बात मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, जैसे कि सिंगल बेसिन टाइप्स का जो टाइडल पावर प्लांट होता है उसकी जगह पे वहां पे एक खाड़ी यानी कि एक छोटा सा पार्ट समुद्र का होता है जहां पे पानी आने की वजह से वहां पे भर जाता है पानी से, अब उसके पास में डैम बना के वहां पे जनरेटर और टर्बाइन का कॉम्बिनेशन बना के हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में हम आगे डिटेल्स में जानकारी लेंगे जैसे जैसे डायग्राम में दिखाता जाऊंगा, साथ में उसकी एक ड्रॉइंग भी दिखाऊंगा किस तरह है क्या है। जैसे कि सिंगल बेसिन टाइडल साइकिल है तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल्स में जानकारी लेंगे और उसका डायग्राम के साथ हम वर्किंग प्रिंसिपल भी देखेंगे। तो दोस्तों,
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल नंदा सारथी को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। साथ में आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो भी आप मुझे कॉमेंट कीजिए, मैं आपका उसको आंसर दूंगा। आपका खूब खूब धन्यवाद दोस्तों।